हेलो एवरीवन, तो आज हम क्लास 9 के चैप्टर 6 का थ्योरम नंबर 6.3 देखने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन, अगर कोई ट्रांसवर्सल है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइनों को, जैसे यहाँ फिगर में दिखाया हुआ है, ये ट्रांसवर्सल है पी क्यू, ये इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइनों को ए बी और सी डी को। इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पर, इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को आर पर और सी डी को एस पर इंटरसेक्ट कर रही है। फिर क्या दिया हुआ है, सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल, और दिया हुआ है कि एक पेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का क्या है, इक्वल है। देखिए फिगर में, यहाँ देखिए एक इंटीरियर एंगल ये बन रहा है, ये वाला और ये वाला, इसका क्या नेम है, ए आर एस और डी एस क्यू, ये क्या है, आपस में इक्वल है, इतना हमारे क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, देन द टू लाइन्स आर पैरेलल, तो हमें प्रूफ करना है कि जो दोनों लाइनें हैं जिसको कि ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, वो दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। हमें ये प्रूफ करना है कि ये और ये, ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम, हमें जो कुछ गिवन है क्वेश्चन में उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। गिवन में जैसे हमें क्या गिवन है कि एक ट्रांसवर्सल है और इसके अलावा वो दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है जो कि आपस में इक्वल है, तो ए एस आर इज इक्वल टू डी एस आर, यहाँ पर मैंने इसको लिखा हुआ है। और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, हमें भी प्रूफ करना है क्या कि ए बी सी डी के पैरेलल है। ठीक, इतना क्लियर है। अब आइए इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम प्रूफ में वहां से शुरू करेंगे जो चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है कि ए आर एस इक्वल टू डी एस आर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सिंस एंगल ए आर एस इज इक्वल टू एंगल डी एस आर। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन वन, और ये इक्वल है क्यों आपस में, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर है, लेकिन इसके हमें ये गिवन है, तो हम रीजन में क्या लिखेंगे कि ये हमें गिवन है। ठीक, तो हम यहाँ लिख देते हैं गिवन। ठीक है, ठीक है, इधर देखिए फिगर में, तो ये हो गया कि ए एस आर इज इक्वल टू डी एस क्यू। लेकिन अब एक और चीज देखिए कि अगर इधर हम आए, ये लाइन ए बी, ए बी पर, तो इसको ये जो लाइन पी क्यू है आर पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो जब ये आर पर इंटरसेक्ट कर रही है तो ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, और इंटरसेक्टिंग लाइन पर क्या बनती है, वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म होते हैं। तो यहां से ये जो एंगल है ए आर एस और बी आर पी, ये दोनों क्या होंगे, आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल मैंने आपको बताया था कि दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, यहाँ लिखते हैं सिंस ए बी एंड पी क्यू आर टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट आर, क्योंकि ए बी और पी क्यू क्या करें, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें पॉइंट आर पर, तो देयरफॉर एंगल ए आर एस इज इक्वल टू एंगल बी आर पी। लिख लेते हैं एंगल ए आर एस इज इक्वल टू एंगल बी आर पी, ये हमारा क्यों इक्वल होगा, रीजन हमेशा हमें देना है, ये हमारा इसलिए इक्वल होगा क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यहाँ लिख लेते हैं हम साइड में वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन वन और टू से हमें कुछ मिल रहा है, देखिए इक्वेशन वन में है ए आर एस इज इक्वल टू डी एस आर, और यहाँ भी ए आर एस इक्वल टू बी आर पी, तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को अगर हम ले लें तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी हम आपस में इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, इन दोनों से हमें क्या मिला, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल है
तो राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगा, तो राइट हैंड साइड क्या है, देयरफॉर एंगल डी एस आर इज इक्वल टू एंगल बी आर पी, डी एस आर इक्वल टू बी आर पी। अब देखिए जरा डी एस आर और बी आर पी है क्या फिगर में, डी एस आर ये वाला एंगल और बी आर पी, बी आर पी ये वाला एंगल। अब देखिए इन दोनों एंगल्स को देखकर हमें क्या लग रहा है, देखिए ये दोनों एंगल क्या है, सेम फेस में है, और जो भी एंगल सेम फेज में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। और ये करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म कहाँ होते हैं, पैरेलल लाइंस पर होते हैं। मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि पैरेलल लाइंस और पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल, जब दो पैरेलल लाइंस होती है उसको ट्रांसवर्सल कट करती है तो उसमें कुछ बहुत सारे एंगल फॉर्म होते हैं, उसमें से एक है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ पे फॉर्म होता है, पैरेलल लाइन पर फॉर्म होता है। तो अगर ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग है तो क्या होगा, तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ फॉर्म होते हैं, पैरेलल लाइन पर ही फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो इसको अब हम यहाँ पे लिखते हैं, हम यहाँ लिखते हैं सिंस दीज एंगल आर ऑल्सो करस्पॉन्डिंग Since these angles are also corresponding to each other, ठीक है, अगर ये दोनों एंगल आपस में corresponding भी हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये हमारी लाइन ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ फॉर्म होते हैं, पैरेलल लाइन पर फॉर्म होते हैं। इसलिए अगर ये दोनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग है तो ये दोनों लाइनें क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हेंस प्रूफ। अब देखिए नेक्स्ट हमारा एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6.4। इसमें क्या दिया हुआ है, इफ आर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर कोई ट्रांसवर्सल है जो कि दो पैरेलल लाइन को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। फिगर में देखिए कि एक ट्रांसवर्सल है पी क्यू जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है दो पैरेलल लाइन से ए बी और सी डी को, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, आर पर और एस पर। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है कि एक ट्रांसवर्सल लाइन जो कि दो पैरेलल लाइंस को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब हमें पैरेलल लाइंस ये है, ऐसा ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर क्या है, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। हमें क्वेश्चन में ये बस इतना ही दिया हुआ है कि दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल हैं, और ये ट्रांसवर्सल आर और एस पर इंटरसेक्ट कर रहा है। हमें प्रूफ ये करना है कि ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, कि जो इंटीरियर एंगल मतलब अंदर जो एंगल फॉर्म हो रहा है, अंदर कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, एक इधर हो रहा है एक इधर हो रहा है, अगर इस साइड से देखे तो ये हो रहा है और ये हो रहा है। ठीक, तो हमें बताना है कि देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल का हर एक पेयर जो है ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, जो कि ट्रांसवर्सल के किसी सेम साइड पर हो। अगर हम इस साइड आकर देखें, इस साइड, तो कौन से इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक ये वाले और एक ये वाले, तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री हमें ये बताने कि दोनों एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन के वीडियो में बताया हुआ था कि सप्लीमेंट्री क्या होता है, अगर कोई दो एंगल हो, अगर दोनों एंगल का सम क्या हो, 180 डिग्री हो, तो वो दोनों एंगल्स को हम क्या बोलेंगे कि वो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। तो मतलब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये एंगल ए आर एस और एंगल सी एस आर, ये दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री है, यही हमें प्रूफ करना है। अगर 180 डिग्री प्रूफ हो जाएगा तो मतलब वो क्या है, सप्लीमेंट्री है। तो देखिए सबसे पहले जो गिवन है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या है कि दो पैरेलल लाइंस हैं ए बी और सी डी एंड पी क्यू इंटरसेक्ट आर एट आर एंड एस। दो पैरेलल लाइन ए बी और सी डी और ट्रांसवर्सल पी क्यू है जो कि आर और एस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इतना हमें क्वेश्चन में गिवन है। और प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल
इज सप्लीमेंट्री। हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों क्या है, 180 डिग्री है। तो ए आर एस और सी एस आर, ए आर एस प्लस सी एस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है। अब आइए देखते हैं हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। अच्छा ये चीज देखिए, क्वेश्चन में हमें दिया है कि दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल है। जब लाइनें पैरेलल है तो इसके पैरेलल लाइंस के बहुत सारे रिजल्ट्स होते हैं, मतलब कि इसमें बहुत सारे एंगल्स बनते हैं, जैसे करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, ये सारे एंगल्स कहाँ फॉर्म होते हैं, पैरेलल लाइंस पर फॉर्म होते हैं। तो अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो हम लिख सकते हैं कि ये जो एंगल है ए आर एस और एंगल सी एस क्यू, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि देखिए दोनों सेम फेज में देख रहे हैं। तो हम लिखेंगे इस चीज को, यहाँ लिखते हैं पहले सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर एंगल ए आर एस इज इक्वल टू एंगल सी एस क्यू। और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल क्यों है, इसको पहले इक्वेशन वन ले लेते हैं। और क्यों आपस में इक्वल है, ए आर एस ये वाला और सी एस क्यू ये वाला, दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। लिख लेते हैं रीजन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब इधर आइए वापस फिगर में। अच्छा अब ये देखिए, अगर हम इस लाइन पर आए पी क्यू पर, क्योंकि पी क्यू क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पर अगर इस पॉइंट पर देखिए एस पर, तो यहाँ क्या है, ये सी एस सी, ये एक रे है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन पर रे का काम करे, तो एक इस रे से एक स्ट्रेट लाइन पर ये जो दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी है ये हमारी। यहाँ लिखेंगे ऑन लाइन पी क्यू, ऑनलाइन पी क्यू इस पर क्या है, एंगल सी एस क्यू प्लस एंगल सी एस आर, एंगल सी एस क्यू प्लस एंगल सी एस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा 180 डिग्री क्यों है, इसको इक्वेशन टू ले लेते हैं। 180 डिग्री क्यों है, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा हो गया लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से। हमें प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल ए आर एस और सी एस आर, इन दोनों का सम 180 प्रूफ करना है। अच्छा अब देखिए, अब इन दोनों इक्वेशन से क्या हो सकता है, हमें प्रूफ करना है कि ए आर एस प्लस सी एस आर, और इस इक्वेशन में सी एस आर हमारा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ ए आर एस नहीं दिया हुआ है। अगर यहाँ देखिये इक्वेशन वन से हम सी एस क्यू की वैल्यू, सी एस क्यू किसके इक्वल है, ए आर एस के, तो अगर यहाँ से सी एस क्यू ए आर एस के इक्वल है, तो हम यहाँ पर सी एस क्यू की जगह ए आर एस पुट कर सकते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, तो अगर हम सी एस क्यू की जगह ए आर एस रख दें, तो ए आर एस प्लस सी एस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा, और वही हमें प्रूफ करना था। तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, इन दोनों से हमें क्या मिला। अब यहाँ हम सी एस क्यू की जगह क्या पुट कर दें, ए आर एस, ए आर एस प्लस सी एस क्यू की जगह हमने क्या रख दिया, ए आर एस, और इसके अलावा जो है उसको वैसे ही उतारेंगे, प्लस सी एस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। और देखिए फिगर में ए आर एस सी एस आर, ये दोनों का सम क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। यही चीज हमें प्रूफ करना था, हमें यही प्रूफ करना था ना कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। इंटीरियर एंगल है सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल के, और ये दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री आ गया, और यही हमें प्रूफ करना था। अगर यही चीज को हम दूसरी साइड से भी सॉल्व करना चाहें तो वो भी हो जाएगा, जैसे कि क्या, अगर दोनों साइड से निकालना हो, इस साइड से भी अगर निकालना हो, तो सेम प्रोसेस से हम इसको भी निकाल लेंगे, ठीक है।